अब आपको बताएं, हुकूमत पंजाब की जानिब से एयर एम्बुलेंस शुरू करने की तैयारियां। एयर एम्बुलेंस को पंजाब के मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर रखा जाएगा। आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की तैयारियां। एयर एम्बुलेंस को पंजाब के मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर रखा जाएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की तैयारियाँ की गई हैं। एयर एम्बुलेंस को पंजाब के मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर रखा जाएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से एक अहम इकदाम सामने आया है। एयर एम्बुलेंस के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हुकूमत पंजाब ने एयर एम्बुलेंस को पंजाब के मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर रखने की तजवीज़ भी दी है। आपको बताएं कि एयर एम्बुलेंस के पंजाब के मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर रखा जाएगा और एयर एम्बुलेंस की शुरुआत के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। तफसीला जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहील अली से। राहील, आगा कीजिएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से रेस्क्यू 1122 एयर एम्बुलेंस शुरू करने का जो है वो फैसला किया गया, और इस हवाले से इब्तदाई जो उस पर काम है उसका आगाज कर दिया गया। और जराये का कहना यह है कि एयर एम्बुलेंस को पंजाब के मुख्य एयरपोर्ट पर जो है वो रखा जाएगा। इब्तदाई तौर पर दो एयर एम्बुलेंस लाहौर एयरपोर्ट, दो चकलाला एयरपोर्ट पर रखे जाएंगे, दो मुल्तान, एक सरगोधा, एक गुजरांवाला, एक सियालकोट और एक भागलपुर में जो है वो भिजवाई जाएगी। जराये का कहना यह कि इब्तदाई तौर पर यह मनसूबाबंदी जो है वो की गई है, ताहम जब हतमी फैसला होगा तो फिर इस पर जो है वो फैसला किया जाएगा कि मजीद तीन तीन शहरों में जो है वो एयर एम्बुलेंस जो है वो शुरू की जाएगी। ताहम हुकूमत पंजाब की जानिब से रेस्क्यू 1122 एयर एम्बुलेंस जो है वो शुरू करने का फैसला किया गया। ये छोटे हेलीकॉप्टर होंगे जिसमें जो है वो फौरी तौर पर जो है वो तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा सकेगी, और इस हवाले से मनसूबाबंदी जो है वो शुरू कर दी गई है। जी शुक्रिया राहील।